फ्रांस आप ये वोल्टेज ये क्यों खत्म जनरेट होती हुई, ये फ्रांस से मैं इस पॉइंट क्यों बता इस रहा हूँ तरह इस होती पॉइंट। है? नहीं है। अब इधर इसके क्रॉस इतनी वोल्टेज होगी है वो 1000 से इतनी ज्यादा है कि यहाँ अब आपका एयर जो है वो आयनाइज हो सकती है। तो अब क्या हुआ कि एयर आयनाइज यहाँ से आर्गन एयर आयनाइज होगी ज्यादा पोटेंशियल की वजह से इसके क्रॉस। अब क्या हुआ कि जब जैसे आयनाइज हुई ये यहाँ से एक पास मार गया, वो पहले जो वहां पास मार रहा था वो इधर बन गया, ये करंट इधर से फ्लो होना शुरू, जैसे इधर से फ्लो होना शुरू हुआ तो ये जो कंडक्ट है आपका ये सर्किट से आउट हो गया, वो पहले ओपन था सर्किट से आउट हो गया। अब आप स्टार्टर उतार के देते कोई इशू नहीं है और ट्यूबलाइट आपकी जा रही है चल पड़ी है ठीक है स्टार्ट हो गई, ये आपकी ट्यूबलाइट ये आप करंट सर्किट से होता हुआ फ्लो होगा। और अब क्या होगा ये जो स्पाइक आई थी इसने आयनाइजेशन की, मर्करी वेपर जो है सारे डिस्पर्स हो गए, मर्करी वेपर पोटेंशियल की वजह से आयनाइजेशन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई इससे मर्करी वेपर जो है वो सारे इस तरह लाइन हो गए पूरे एक जगह पे, जैसे थर्मोमीटर में होता है हीट देंगे तो वो लाइन हो जाएंगे, तो लाइन हो गए तो वो एक पाथ बना देंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होने के लिए आयनाइजेशन के लिए वो सिलिटेट करेंगे ये जो मर्करी वेपर्स है, जो कि मर्करी वेपर्स अगर आप देखें तो कुछ जगह पे मर्करी वेपर्स यूज होते हैं और कुछ जगह पे देखें तो मैंने बताया इस तरह ये मर्करी वेपर्स यूज होते हैं और कुछ जगह पे जो है वो सोडियम वेपर जो है ये इसके अंदर सोडियम वेपर यूज होंगे ठीक है। इस तरीके से आप ये देखेंगे कि मर्करी वेपर्स ने ये पाथ को फैसिलिटेट कर दिया, आर्गन एयर ने जो है आयनाइजेशन की वजह से पाथ बनाया और मर्करी वेपर हीट अप की वजह से वो विस्कोसिटी कर रहे हैं और ये सारा प्रोसेस हुआ। अब ये जब ग्लो हो जाएगी अब इसकी जो ऊपर है जो कोटिंग है वो कोटिंग करते हैं हम उसको कहते हैं फ्लोरिसेंट कोटिंग, इसके ऊपर की होती है फ्लोरिसेंट पाउडर की, इसके ऊपर जो है इसकी जो ट्यूब रॉड है इसके अंदर जो कोटिंग की होती है उससे ये होता है कि जो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके यहाँ देखें अगर यहाँ आप इस प्रोसेस को देख लेते हैं कि यहाँ देखें ये कहता है कि डिलीवर्स विजिबल लाइट और उसके बाद मर्करी वेपर्स डिलीवर्स अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन, तो ये मर्करी वेपर्स हैं यूवी रेडिएशन आएंगे और उसके बाद थ्रू डिस्चार्ज प्रोसेस causes phosphor coating of lamp, जो इसकी phosphor coating है lamp inner wall to radiate, तो phosphor coating जो इसकी inner walls की ट्यूब की हुई है उनको वो रेडिएट करेंगे विजिबल लाइट। अब ये डिफरेंट कलर्स की भी हो सकती है वो अब कोटिंग ऐसे मटीरियल की करें, वाइट लाइट का मतलब है कि 7 कलर्स आउट हो रहे हैं, तो अगर इसमें कोई ऐसा मटीरियल यूज़ कर लेंगे जिसमें रेड जो है वो उसको ऑब्जॉर्व मतलब एक कलर जो है उसको वो पास ऑन करें बाकी सारे ऑब्जॉर्व कर ले ठीक है, तो इस तरह आप डिफरेंट मटीरियल से इसके जो कलर है वो आपका डिफरेंट हो सकता है। ये तो आपका हो गया फ्लोरिसेंट लैंप जो जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम आगे चलें अगर इसी के थोड़ा सा वो डिटेल लिखी हुई कम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप है CFL या इसको एनर्जी सेवर हम कह रहे हैं एनर्जी सेवर ही, तो एनर्जी सेवर जो है वो जिसको सार एनर्जी सेवर भी कह देते हैं, तो ये कम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप है अगर इसको देखें तो इसके अंदर भी फिनोमेना देख लेते हैं, तो ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं एक ट्यूब सी है ऊपर आपको नजर आती है ट्यूब और डिफरेंट शेप्स की होती है और ये ट्यूब जो है इसके अंदर आप देखें तो मर्करी वेपर्स भी हैं और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है ये जो आपकी डॉटेड लाइन्स है ये इलेक्ट्रॉन बीम को शो कर रही है, जब आयनाइज होगी है तो ये जो फिलामेंट्स हैं इसी तरह इसके भी जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट करेंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट है और मर्करी वेपर्स जो है वो आपके साथ मिलकर आपको पाथ मिल रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन्स और मर्करी वेपर्स से मिलकर ये जब आपका कंटेक्ट बनेगा इलेक्ट्रोड का इधर से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे ये वाला जब कंटेक्ट बनेगा तो आपको इससे फोटॉन्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होंगे उसके बाद आपकी वो जो है विजिबल लाइट जो है आपको वो यहाँ से मिलेगी, ये भी फिनोमेना इसका सिमिलर ये था। इसमें देखें तो प्रोसेस हम देख रहे थे पहला स्टेप इसमें ये है कि कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड मर्करी वेपर्स प्रोड्यूस यूवी रेज, यानी मर्करी वेपर्स और इलेक्ट्रॉन्स मिल के आपको देखें ये रेस इनको यूवी रेज कहते हैं, ये जब तो यूवी रेज मिलेंगी अल्ट्रा वायलेट रेज, अब ये जो रेज है ये क्या करेंगे ये फ्लोरोसेंट कोटिंग जो इसके ऊपर की हुई है वो जो है यूवी रेज को अब्जॉर्व करेंगे और उसको इसको कन्वर्ट कर देंगे विजिबल लाइट में, तो ये प्रोसेस इसका CF का हमने कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का देख लिया ठीक है। और अच्छा इसी तरह जो है अगर हम आगे देखें तो एक और देखें ये सर फॉर एग्जाम्पल LED है, तो LED में देखें तो लाइट मीटिंग डायोड और इसमें देखें तो पार्ट्स हैं आपका LED के ऊपर जो कवर होता है इस तरह, ये इसका है कवर या इसकी जो शेप है ऊपर इसकी शेप है इस तरह, इसकी शेप को भी डिफ्यूजर कह देते हैं और इस तरह LED ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी होता है इसके अंदर LED जिस तरह फिलिप्स के अभी अच्छे चल रहे हैं, कितने का फिलिप्स का मिलता है एक एनर्जी सेवर और मैक्सिमम वाटेज कितनी है उसकी 180 का तो दूसरा मिलता है और वो ख़राब भी जल्दी हो जाते हैं जो लोकल कंपनी फिलिप्स का मेरे ख्याल 300 से ऊपर ही है 350 देखें कितने वाट है 350 तकरीबन या 310 या 300 के ऊपर जो 14 वाट का मेरे 14 या 18 वाट का भी कुछ है पठान से 30 का मिल जाएगा। तो ये है तो आपके LED इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो गए ट्रांसफार्मर हो गया जो कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इसके अंदर होगा ड्राइवर और डिफ्यूजर ये पार्ट्स हो गए।
अब एलईडी का छोटा सा प्रोसेस यह है कि एलईडी आर फॉर्म फ्रॉम वेरियस डोप सेमीकंडक्टर मटेरियल इन फॉर्म ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन डायोड जंक्शन हो गए। और अब करंट कैसे होती है, ये लाइट व्हेन करंट पासेस थ्रू जंक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल कैरियर्स गिव अप एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड जंक्शन व्हिच इज मेटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब इसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइट्स हैं ग्रीन येलो रेड ब्लू, डिफरेंट कलर्स की एलईडीज होती हैं, और वो मटेरियल ही हम ऐसा यूज करते हैं कि वो फिर एमिट करते हैं, वो जो डिजायर्ड कलर होता है उसकी लाइट वो एमिट होती है। अब LEDs की जो आपको देखें तो पिन जो है थ्रेड टाइप की होती है E27, और पिन टाइप अगर आप देखें दो तरह के होते हैं, एक चूड़ी वाला होता है जिसको हम कहते हैं एक उसकी बेस जो है वो E27 है, और दूसरा जो है पिन टाइप है उसकी B22 है इस तरीके से। अच्छा ये तो हो गया हमारा LED का, LED जो हमने पढ़ी है वाली। अच्छा उसके बाद हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप्स अगर हम देखें तो इन लैंप्स के अंदर भी दो पड़ेंगे हमें, एक ये है मर्करी वेपर वाला, ये वाला आप देखें ये वाला मर्करी वेपर, तो मर्करी वेपर लैंप्स देख रहे हैं, इसके अंदर भी मर्करी है। अगर हम देखें तो यहाँ आपको नजर आ रहा है, ये देखिए आर्गन और मर्करी, जिस तरह ये प्रोसेस था इसके अंदर आर्गन मर्करी, इसकी जो अंदर वाली ट्यूब है उसके अंदर भी आर्गन और मर्करी है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा प्रोसेस, इसके अंदर देखें तो ये जो बल्ब बना हुआ है इसके अंदर ये कैप है, कैप के बाद अगर आप देखें तो इसके अंदर ना ये आपको इलेक्ट्रोड नजर आ रहा है, ये जो आपको ये लाइन है ना सीधी आगे बॉक्स सा बना हुआ है, बॉक्स के साथ जाके मिलती है ये ऐसे, और इधर भी एक लाइन आपको नजर आ रही है जो कि बॉक्स से मिलती है। अब वो जो लाइन है ये इलेक्ट्रोड है इधर का, और एक इलेक्ट्रोड ये, दो इलेक्ट्रोड चाहिए जिस तरह इधर दो इलेक्ट्रोड थे, ठीक है इधर भी दो इलेक्ट्रोड। अच्छा ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, इस इलेक्ट्रोड के साथ आगे टंगस्टन कॉइल लगाई हुई है जो कि ज्यादा ऐसा मटीरियल यूज करते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट करे जब उसको सप्लाई दे, तो वो हमने दो इलेक्ट्रोड, एक मेन इलेक्ट्रोड ये हो गया दूसरा ये हो गया, इनको कहते हैं मेन इलेक्ट्रोड, ये मेन इलेक्ट्रोड है और ये मेन इलेक्ट्रोड हो गया। अच्छा उसके बाद इसके आगे टंगस्टन कॉइल लगा दी, इधर भी टंगस्टन कॉइल लगा दी। अच्छा उसके बाद एक है स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड, ये स्टार्टिंग लिखा हुआ है, ठीक है स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड ये है, ये नीचे साथ एक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड है ये वाला, इसके साथ एक रजिस्टर लगाया हुआ है और इसके साथ यहाँ तक जाता है बस, और दरमियान में गैप है, ये इस तरह बॉक्स बना हुआ है, ये टंगस्टन जो टंगस्टन कॉइल है इधर भी बनी इधर भी, और इसके दरमियान जो है ना ये थोड़ा सा गैप है, जिस तरह इधर गैप था ना थोड़ा सा ये ऐसे, तो ये इधर थोड़ा सा गैप है, इन दो के दरमियान थोड़ा सा गैप है। यहाँ जो फिनोमेना था आपको नजर आ रहा है ना, नियन बल्ब ने जो फिनोमेना प्ले किया था, नियन लैंप ने, वो फिनोमेना प्ले होगा इधर इस मेन इलेक्ट्रोड और इस स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के दरमियान प्ले होगा शुरू में, तो जब ये हो जाएगा फिर हमारा नेक्स्ट मेन फिनोमेना क्या था, इसको इसके साथ मिलाना, तो ये कंडक्ट बना, तो वो फिर एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन के दरमियान ये कंडक्ट आपका बनेगा। तो ये जो इससे रिजेंबल करके बताया कि इसका फिनोमेना कवर करने के लिए ये दो है, एक इलेक्ट्रॉन और ये स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन बीच में रजिस्टर, और दूसरा जब ये कवर हो जाएगा तो उसके बाद हीलियम प्रोड्यूस होगी, तो जो मेन वो आर्क बनेगी वो इनके दरमियान होगी दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ठीक है। अच्छा इसमें देखें एक